बारिश किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतनी अच्छी जो चीज़ होती है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो बाइकर्स के लिए सबसे साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बाइक पूरी गंदी हो जाती है बारिश के बाद में, तो बिल्कुल एकदम सब जगह पानी और कीचड़ भरा हुआ है। तो बाइक है ना अपने टेल टाइड ही हटाई हुए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है टेल टाइड की, पीछे से पूरा गंदा कर देती है बाइक, तो बिल्कुल स्लो स्लो चलाना पड़ता है। तो जितना अच्छा कोई चीज़ लगती है तो उसका एक पहलू अच्छा होता है तो एक पहलू बुरा भी होता है। बाय द वे गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह जल्दी जाने वाला लड़का आज लेट हो चुका है और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, क्योंकि आज अपन जा रहे हैं कुछ शूट करने, तो इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट शूट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिंग रोड क्योंकि वहाँ पर थोड़ी लोकेशन अच्छी है, तो अपना रोनी भाई वहाँ पहुँच चुका है और अनंत भी जा चुका है वहाँ पर, तो उनका फ़ोन आ रहा है कि भाई आ जा आ जा, लेकिन मेरा है कि मैं सुबह थोड़ा लेट हो गया नहाने धोने में, तो अभी थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन क्या करें बीच बीच में पानी देख रहे हो आप। अब बताओ यहाँ से कैसे निकले यार, एक तो टेल टाइड ही नहीं है ऊपर से इतना पानी भरा पड़ा है, और यहाँ पता वो नहीं चलता कितने खड्डे हैं क्या है। चलो यहाँ तो मैं रोज़ गुजरता हूँ तो मुझे पता है कैसे क्या कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन देखो आप कितना पानी भरा हुआ यार, मेरे फुट रेस्ट तक पानी आ रहा है बिल्कुल, मेरे शूज़ में पानी ना भर जाए, बस ये दिक्कत है। अब आगे दोनों तरफ खड्डे हैं, अब बाइकर्स जो अनजान हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर खड्डा है यहाँ पे। अब देखना आप यहाँ पे खड्डा है, ये देखो ये गई खड्डे में, तो अगर कोई अनजान व्यक्ति है ना तो वो तो यहाँ पे गिर ही सकते हैं आराम से, तो कुछ देखना चाहिए यार सरकार को इनको, थोड़ा यार हालत सुधारो रोडों की। तो चलो बकवास करते हैं बंद और फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पर, और आपको दिखाता हूँ फिर वहाँ पर क्या क्या शूट करते हैं अपन, क्या क्या कंटेंट रहता है, तो आपको मिलता हूँ वहीं लोकेशन पे। यहाँ के रोड की कंडीशन देख के मुझे नहीं लगता मैंने इतनी जितनी सुबह मेहनत की थी बाइक पे साफ़ करने में उतनी में पहुँच जाऊँगा, तब तक मेरे को वैसे के वैसे मिलेगी, क्योंकि हालत देख रहे हो यहाँ पे कितना कीचड़ भरा है यार, कितना स्लो चलाऊँ मैं, एक तो ऊपर से लेट हो रहा हूँ ऊपर से ट्रैफिक, और एक देखो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है जगह यार, पीछे से पूरी गंदी होने वाली बाइक, मैं पहुँचूँगा तब तक पूरी मेहनत वेस्ट जाने वाली है आज। चलो खैर कोई बात नहीं, और मैं आ चुका हूँ भी भांगरोटा चौराहे पे NH 8 पे, तो यहाँ से अपन यू टर्न लेके और वापस चलेंगे अपन रिंग रोड की तरफ, तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ। ये क्या हो रहा है यार, मिसिंग क्यों कर रही है बाइक, ऐसे लग रहा है। और अब रेड लाइट और सारी खाने मिलने वाली है, फोन पे बात की तो अभी ऊपर ही खड़े हैं, तो चलते हैं वहीं पे, यहाँ से लेफ्ट लेके ऊपर चले जाएंगे अपन सीधा रिंग रोड पे, और यहाँ पे क्या लोकेशन अच्छी आती है यार यहाँ से, तो यहीं पे कुछ कंटेंट शूट करने वाले हैं अपन। और बारिश के बाद में ना यार ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है यार, तो वो दिखते हैं मुझे सामने खड़े हैं कुछ शूट कर रहे हैं, तो वहीं चलते हैं। और ये अपने हैं रोनी भाई और आनंद, तो इनको बहुत वेट कराया आखिरकार पहुंच गए अपन। कैसे भाई लोग, टाइम पे आए, बढ़िया बड़े टाइम पे आ गए, हर बार फिक्स करते हैं हम यार, हर बार मैं जल्दी पहुंचता आज लेट हो गया तो ये कुछ सुनाएंगे मुझे, वो सुन लेता हूँ ऑफ कैमरा। तो भाई लोग यहाँ पे आग आ चुकी है, आग आग का मतलब तबाही, तबाही देख रहे हो आप, दो बुलेट है, दो MTS सेक्सी, और अपने साथ में है आनंद, बुम बुम राइडर, गणेश, रोनी, और ये है विशाल भाई।
तो रोनी और विशाल की तो है दोनों बुलेट, और बूम बूम राइडर और मैं चलाने वाले एमटी, और यहाँ पे तबाही रील आने वाली है। तो आप सब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, एमटी राइडर अजय के नाम से, और इन सबके भी इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ही फाड़ू वीडियो आने वाले हैं यहाँ पे, देखो आप कितनी सेक्सी सेक्सी बाइक खड़ी है यहाँ पे। और अब हम शूट करने वाले बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट, तो आप देख सकते हो। और बूम बूम राइडर अपने हैं न्यू हेलमेट के साथ में, एक्जोर वाला जिसके ऊपर सींग भी उगे हुए हैं। भाई ये सींग कैसे उगे तेरे भाई, तुम दुनिया से अलग कैसे हो, सींग कैसे उगा लिए तुमने? क्या दुनिया से अलग? हाँ, कुछ यूनिक दिखने के लिए कुछ यूनिक बनना पड़ता है। तो भाई एक पीछे भी उगा लेते फिर, हैं पीछे भी उगा लेते सींग आगे टाइम टाइम पे सब एज के हिसाब से। तो ये बुल राइडर है, रेड बुल राइडर, और आनंद अपना फोटोग्राफर है। गरीब की टोकरी के अंदर दो वीडियो डाल दे। ले ग्लस ले ले भाई मेरी तरफ से। तो ये भाई बिल्कुल नाराज है क्योंकि इनके पास अभी बाइक नहीं है, ओनली इनको कैमरामैन बना रखा है, और इनको 5 रुपए की टॉफी में खरीदा हमने, तो इनको खिलाना पड़ेगा जाके टाइम। और अपने रोहित भाई कुछ सोच रहे हैं, कुछ अलग ही फाड़ू कंटेंट सोच रहे हैं। वीडियो मेरे पास है, एक कोई वीडियो नहीं, जाओ तुम्हारी एस्टेसी कराओ। मैं चुस्की पिला दूंगा तेरे को, चुस्की तो रशियन चाहिए। मुस्कान तो इधर आ रही है, बोल बो रहा है, चक्कर क्या आई है? द बॉयज पता है कितने का एवरेज देती है आपकी? मेरे का 50 का देती है। 50 का ना? हाँ। 25 का देती है तो अब कंपेयर मत। फिर तो भाई उससे क्या मतलब है, ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रैक्टर खरीद लो फिर तो, ट्रैक्टर खरीद लो। हाँ आ जाओ, रेस लगा लो, रेस लगा लो, रेस बुलेट वर्सेस एमटी। आनंद भाई के ब्लॉग में देख लेना, खाटू शाम से आते टाइम बुलेट वर्सेस एमटी देख रहे हो क्या? देख रहे हो ये भाई, ये हो चुके हैं भाई, और यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है बुलेट वर्सेस एमटी की। तो यहाँ फाइट चल रही है कि कौन सी बाइक अच्छी वाली है, तो यहाँ पे लड़ चुके हैं गाइस, लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे बहुत भयंकर वाली। डिस्कशन चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं लोग। रोहित अलग चल रहा है, विशाल अलग चल रहा है, आनंद भाई कह रहे हैं मैं खींचूंगा ही नहीं वीडियो, बनाऊंगा ही नहीं मैं। ये क्या है इसकी टांग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं ये एक अलग सींग वाले बाबा अलग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं नीचे कूदा दूंगा बाइक को यहाँ से रील बनाने में। हैं ऐसा पॉसिबल है क्या यहाँ से नीचे कूदा दे अपन चारों बाइकों को ऐसे करके? बोलो गाइस आप कितने लाइक करोगे, नीचे कूदा देंगे क्या? और यहाँ पे सारे ब्लॉगर है एक रोहित को छोड़ के, क्योंकि इनका मोनेटाइज हो चुका चैनल, तो इनको ब्लॉगर नहीं बोलेंगे, इनको उत्तम श्रेणी का ब्लॉगर बोलेंगे इनको। तो 768 सब्सक्राइबर वाले सबसे ज्यादा रखने वाले भाई है ये, इसीलिए मैं अगले महीने से जॉब छोड़ रहा हूं। हां और YouTube चालू कर रहे हैं भाई, और एक चैनल मेरा ये मोनेटाइज हुआ है डेली व्लॉग्स के नाम से। हां तो वो देख लेना आप लोग, मेरे 242 हां भाई 376 डेढ़ लाख का फोन खरीद के बैठा है बंदा भाई, जितने हमारे एक्सेसरीज है उतने का फोन इसका बंदे का। अपने यहाँ क्या नाम है, कितने 2 महीने का नाम से 700 भाई के 700 इनमें से कुछ तो मेरे कर देना ले रहे हैं भाई ये एक बार और हेलमेट के साथ में, क्योंकि हम लोग भाई सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो कुछ कंटेंट शूट कर लिया और कुछ और कर रहे हैं, तो अब दोनों एमटी और एक भाई तो जा चुके हैं बुलेट पे। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा आगे क्योंकि लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो
I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequences of being competent. Mental health is confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to see the day, that's for you to take away. I can play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you can be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top. अपना शूट हो चुका है कंप्लीट। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और रील्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एमटी राइडर एजे के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो। इन सबके मैं इंस्टाग्राम हैंडल की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। और लोकेशन एक नंबर लग रही है वहाँ पे। अब ऑफिस टाइम हो चुका है, तो अपना ऑफिस निकल रहे हैं और भाई लोग अपने घर निकल रहे हैं। तो बस आज का कंटेंट यही था, और बस एक छोटा सा फनी वीडियो था आज का व्लॉग था। तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।